एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट करके YouTube पे वायरल जाने के लिए योर स्मार्टफोन इज मोर देन एनफ। जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है मुझे हजारों कमेंट्स और मैसेजेस आ चुके हैं वेयर पीपल से कि उन्हें बिलीव नहीं होता कि मैं वीडियोस मोबाइल पे एडिट करता हूँ। But it is true. I've got more than 19 million views and over 350,000 subscribers just by editing videos on my smartphone. And इस वीडियो में मैं ये एडवांस्ड एडिटिंग आपको भी सिखाने वाला हूँ। I'll tell you कि अपने चैनल नेम का ऐसा मोशन बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करें, ऐसे कस्टम कैरेक्टर्स बनाकर उन्हें एनिमेट कैसे करें, किसी भी आर्टिकल या स्क्रीनशॉट में वर्ड्स के कलर को चेंज कैसे करें, नंबर काउंटिंग वाला ये कूल एनिमेशन कैसे बनाएं, वीडियो में ऐसे कूल प्रोग्रेस बार्स कैसे लगाएं, एंड और भी बहुत कुछ सीखेंगे इस एक वीडियो में। आप इन टेक्निक्स को किसी भी एडिटिंग ऐप में अप्लाई कर सकते हो जैसे इनशॉट, कैपकट, काइनमास्टर, वीएन, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यूज करूंगा मेरा गो टू वीडियो एडिटर दैट इज इनशॉट। सो लेट्स बिगिन। I think it's important कि सबसे पहले हम keyframes use करना सीखें, because इस tutorial में आगे बहुत सारे techniques covered हैं जिनमें keyframing का use होगा। आप मेरे videos में जो भी animation देखते हो, जैसे किसी element का screen के अंदर आना, बाहर जाना, किसी text का size बड़ा या छोटा होना, या gradually screen से fade out हो जाना, this is all possible because of keyframing। अगर आप keyframes को अच्छे से use करना सीख जाते हो, then your editing will become 10 times better than people who don't use it। So let's learn about it। सो वॉट इज़ की फ्रेम? बेसिकली ये एक टूल है जिसके हेल्प से आप वीडियो में किसी भी चीज़ के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को डिफाइन कर सकते हो और उन दोनों पॉइंट्स के बीच एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर एक PIP इम्पोर्ट कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एक इन्वर्टेड ट्राइंगल वाला ऑप्शन है, इसी के हेल्प से हम की फ्रेम्स को ऐड और रिमूव करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर पहला की फ्रेम ऐड कर देता हूँ लाइक दिस, ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट। फिर टाइमलाइन में कुछ सेकंड्स आगे बढ़ जाऊंगा और यहाँ पर दूसरा की फ्रेम ऐड करके इस PIP को जूम कर दूंगा, ये हो जाएगा इसका एंडिंग पॉइंट। एंड नाउ इफ़ आई प्ले द वीडियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यू कैन सी हमारे PIP में एक जूम इन इफेक्ट क्रिएट हो गया है। ओके, अब एक और PIP इम्पोर्ट कर लेते हैं, लेट्स टेक दिस वन, इसे मैं स्क्रीन के लेफ्ट साइड प्लेस कर दूंगा और यहाँ पर ऐड कर दूंगा इसका पहला की फ्रेम, ये हो जाएगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट। फिर टाइमलाइन में कुछ सेकंड्स आगे बढ़ जाऊंगा एंड यहाँ पर ऐड करूंगा दूसरा की फ्रेम और इस PIP को उठा के स्क्रीन के राइट साइड प्लेस कर दूंगा, ये हो जाएगा इसका एंडिंग पॉइंट। एंड नाउ इफ आई प्ले दिस, यू कैन सी हमारे PIP में एक लेफ्ट टू राइट एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। सो अभी तक हमने दो ही प्रॉपर्टीज़ को मैनिपुलेट किया, दैट इज़ साइज एंड पोजिशन, बट ऑफ कोर्स जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके साथ भी हम खेल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओपेसिटी। सो अभी यू कैन सी मैं सेकेंड की फ्रेम में हूँ, यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी को ज़ीरो कर दूंगा एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट वाले की फ्रेम में इसकी ओपेसिटी 100 है। सो अब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच एक न्यू फेड आउट एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। सो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि की फ्रेम्स का यूज़ कैसे करते हैं। आगे जब हम और भी एडवांस टेक्निक्स देखेंगे तो यू विल नो कि ये कितना पावरफुल टूल है। एंड ऑफ कोर्स नॉट ओनली PIP बट टेक्स्ट, स्टिकर या फिर जो मेन फुटेज है उसमें भी आप की फ्रेम्स का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक स्टॉक वीडियो इम्पोर्ट कर लेते हैं, लेट्स टेक दिस वन, एंड अभी आप देख सकते हो इसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं है। तो मैं इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाऊँगा एंड पहला की फ्रेम यहाँ पर ऐड करते हैं, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर टाइमलाइन में 5 सेकंड आगे बढ़ जाते हैं एंड दूसरा की फ्रेम यहाँ पर ऐड करके वीडियो को जूम इन कर दूंगा, ये हो गया इसका एंडिंग पॉइंट। एंड नाउ इफ आई प्ले दिस, यू कैन सी वीडियो में एक जूम इन इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट की फ्रेम ईज प्रीसेट्स। अगर मैं अभी स्क्रीन पर एक PIP ऐड करूँ एंड इसमें एक सिंपल सा लेफ्ट टू राइट एनिमेशन क्रिएट करूं यूजिंग की फ्रेम्स, तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, बिकॉज ऑफ विच इट लुक्स अ लिटिल बोरिंग। तो इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे की फ्रेम ईज का। इसके लिए दो की फ्रेम्स के बीच में जाओ, फिर यहाँ पर स्वाइप करोगे तो यू विल सी देयर इज अ फीचर कॉल्ड ईज, इस पर क्लिक करो। Here you will find 9 built-in presets जिसके हेल्प से आप keyframe animation के movement को manipulate कर सकते हो and इसमें smoothness add कर सकते हो। Like currently यहाँ पर default preset selected है, तो आप देख सकते हो कि ये PIP की movement बहुत simple and boring है। वहीं अगर मैं 4th preset select कर दूँ तो you can see it looks so much better।
ऑफ कोर्स जो बाकी प्रीसेट्स हैं वो भी बहुत यूजफुल हैं एंड आई यूज देम इन माय वीडियोस, सो आपको खुद से देखना होगा कि एक पर्टिकुलर एनिमेशन के लिए कौन सा प्रीसेट बेस्ट रहेगा। सो क्योंकि हमने कीफ्रेम्स यूज करना सीख लिया है, नाउ इट्स टाइम कि हम उसके हेल्प से और भी फन चीजें क्रिएट करें। अब देखते हैं कि कैसे आप अपने वीडियोस में ऐसे कूल प्रोग्रेस बार्स ऐड कर सकते हो। दिस इज फुली कस्टमाइजेबल, मतलब आप इस बार का कलर एंड हेड डिजाइन अपने पसंद से चूज कर सकते हो। लेट्स सी हाउ। ऑलराइट, सो सबसे पहले एक वीडियो इंपोर्ट करेंगे जिसमें प्रोग्रेस बार ऐड करना है। फिर हम टेक्स्ट पर जाएंगे एंड बहुत सारे स्पेसेस टाइप करना है हमें। ऐसा क्यों करना है ये आप बाद में समझ जाओगे। उसके बाद कलर व्हील वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, लेबल पर जाओ, फिर जिस भी कलर का प्रोग्रेस बार चाहिए उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आई विल सेलेक्ट रेड। आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो और इफ़ यू वांट आप इंग्रेडिएंट्स में से भी कोई चूज कर सकते हो लाइक दिस। फिर इसे चेक करके रिसाइज कर दूंगा स्क्रीन पर ताकि फुल स्क्रीन में फिट हो जाए। अब ऑफ कोर्स एक प्रोग्रेस बार वीडियो के स्टार्ट से एंड तक रहता है, तो मैं इसे क्लिप के एंड तक एक्सटेंड कर दूंगा। फिर हम इस टेक्स्ट एलिमेंट को स्क्रीन के बॉटम में प्लेस कर देंगे सो इट लुक्स लाइक अ प्रोग्रेस बार। सो अब हमारा प्रोग्रेस बार बनके रेडी है, इसमें सिर्फ एनिमेशन ऐड करना बाकी है। तो एनिमेशन के लिए क्लिप के सबसे एंड में चले जाओ एंड एक की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर दो, ये हो जाएगा इसका एंडिंग पॉइंट। फिर क्लिप के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाओ एंड एक की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर दो, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम इस प्रोग्रेस बार को उठाकर स्क्रीन के बिल्कुल स्टार्ट में ले आएंगे लाइक दिस। नाउ इफ आई प्ले दिस यू कैन सी हमारा प्रोग्रेस बार एनिमेशन रेडी है। अब एक स्टेप आगे जाने के लिए हम इसमें एक हेड ऐड करेंगे। वो कोई इमोजी हो सकता है, कोई स्टिकर हो सकता है या फिर आपके चैनल का लोगो भी हो सकता है एज पर योर विश। तो इसके लिए क्लिप के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाओ एंड स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने गैलरी का कोई भी स्टिकर इम्पोर्ट कर सकते हो टू यूज़ एज द हेड ऑफ द प्रोग्रेस बार। सो अभी मैं इनशॉट का एक बिल्ट इन स्टिकर यूज़ करने वाला हूँ विच इज़ दिस वन। इसके साइज को छोटा कर देंगे and then we'll place it next to the progress bar. Make sure कि इसको भी आप क्लिप के एंड तक एक्सटेंड कर दो लाइक दिस। एंड नाउ आई एम श्योर कि आप समझ गए होगे कि आगे क्या करना है। पहला की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर दो, फिर क्लिप के बिल्कुल एंड में चले जाओ एंड यहाँ पर ऐड कर देंगे दूसरा की फ्रेम। फिर इस स्टिकर को उठा के बिल्कुल एंड में प्लेस कर देते हैं और ये हो जाएगा इसका एंडिंग पॉइंट। एंड नाउ इफ आई प्ले द वीडियो यू कैन सी हमने एक बहुत ही कूल प्रोग्रेस बार एनिमेशन क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट अप आई वॉन्ट टू टीच यू कि किसी भी आर्टिकल या स्क्रीनशॉट में वर्ड्स को ऐसे हाईलाइट कैसे करें। नॉर्मली जैसे लोग टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं उसके कंपैरिजन में ये नया तरीका बहुत ही प्रोफेशनल लगता है। सो या लेट्स लर्न दिस। इस इफेक्ट के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक हाईलाइट स्ट्रिप जिसका यूज़ हम बार बार अपने वीडियोज़ में कर सकें। तो इनशॉट के फोटो एडिटर पर क्लिक करो, न्यू प्रोजेक्ट पर जाओ और एक ब्लैंक फाइल इम्पोर्ट कर लो। देन क्लिक ऑन कैनवस एंड सेलेक्ट नो फ्रेम। उसके बाद क्लिक ऑन बैकग्राउंड और जिस भी कलर से आप टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल आई विल गो फॉर रेड एंड मैं इसे चेक कर दूंगा। इसके बाद हम क्रॉप वाले ऑप्शन पर जाएंगे एंड इसे नीचे से क्रॉप कर देंगे ताकि हमें एक लंबी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मिल जाए एंड देन इसे सेव कर दो। इसके बाद इनशॉट के वीडियो एडिटर में आ जाओ, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो और जो भी आर्टिकल या स्क्रीनशॉट है उसे इंपोर्ट कर लो। अब लेट्स से हमें स्क्रीनशॉट में मोबाइल वीडियो एडिटिंग इन तीन वर्ड्स को हाईलाइट करना है। तो टाइमलाइन पर उस पॉइंट पर आ जाएंगे जहां से मैं हाईलाइट इफेक्ट क्रिएट करना चाहता हूं। देन आई क्लिक ऑन पीआईपी एंड जो हाईलाइट स्ट्रिप हमने क्रिएट किया है उसे इंपोर्ट कर लेंगे। फिर इसके साइज को भी एडजस्ट कर देते हैं एंड देन आई प्लेस इट ऑन दी थ्री वर्ड्स मोबाइल वीडियो एडिटिंग। अब आप देख सकते हो कि इस हाईलाइट स्ट्रिप ने बहुत ही अच्छे से इन तीनों वर्ड्स को कवर कर लिया है। तो मैं इस लेयर पर क्लिक करूंगा
एंड यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है ब्लेंड, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ब्लेंड मोड्स हैं। तो अगर आपके स्क्रीनशॉट में बैकग्राउंड ब्लैक है देन इन दैट केस यू विल सेलेक्ट डार्कन एंड यू कैन सी ये तीनों ही वर्ड्स बहुत ही अच्छे से हाईलाइट हो चुके हैं। यू कैन इवन सेलेक्ट कि इसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, तो मैं इसे अभी के लिए फुल रखूँगा। वहीं अगर आपका बैकग्राउंड वाइट होता तो फिर ये वाला ब्लेंड मोड काम नहीं करता। इन दैट केस आपको सेलेक्ट करना होता लाइटन या फिर स्क्रीन एंड यू कैन सी टेक्स्ट बहुत ही अच्छे से हाईलाइट हो चुका है। ये नंबर काउंटिंग इफेक्ट बहुत ही कूल लगता है देखने में एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल टू टेल अ स्टोरी विद नंबर्स। लाइक आप इसे सब्सक्राइबर या फॉलोअर काउंट एनिमेशन के लिए यूज कर सकते हो। यू कैन यूज इट टू शो समवन्स नेटवर्थ और डिपेक्ट अ कोर्स ऑफ टाइम। इस एनिमेशन को बनाने के लिए मैं सबसे पहले इनशॉट में एक ब्लैंक फाइल इम्पोर्ट कर लूँगा और इसके ड्यूरेशन को 60 सेकेंड्स कर देते हैं। अब लेट्स से मुझे डिकोडिंग वाईटी के लिए सब्सक्राइबर काउंट एनिमेशन बनाना है, तो आई क्लिक ऑन टेक्स्ट एंड मैं अपने चैनल का नेम टाइप कर दूंगा, फिर इसे रिसाइज कर देते हैं। और इसे क्लिप के एंड तक एक्सटेंड कर देंगे। सो टेक्स्ट पर जाओ एंड जिस भी नंबर से आप चाहते हो कि एनिमेशन शुरू हो उसे टाइप कर दो। सो आई राइट 1 एंड इसके साइज को बढ़ा देते हैं। फिर इसे भी क्लिप के एंड तक एक्सटेंड कर देंगे। अब जो आगे का प्रोसेस है इट इज़ अ बिट लॉन्ग बट ट्रस्ट मी इट विल बी वर्थ इट। सो अभी देख रहे हो हम टाइमलाइन के बिल्कुल स्टार्ट में हैं, यानी 0 सेकंड्स पर। तो अब मैं इस टेक्स्ट एलिमेंट पर क्लिक करूँगा और टाइमलाइन में 0.1 सेकंड्स आगे बढ़ जाऊँगा लाइक दिस एंड यहाँ पर इस टेक्स्ट एलिमेंट को हम स्प्लिट कर देंगे। फिर जो राइट साइड का हिस्सा बच गया है जो सिलेक्टेड है उसे डिलीट कर देंगे एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास एक बहुत ही पतला सा टेक्स्ट एलिमेंट बच गया है। सो वापस से टाइमलाइन के बिल्कुल स्टार्ट में जाओ, इस पर क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन ड्यूप्लिकेट। उसके बाद यहाँ जो पेंसिल आइकॉन है उस पर क्लिक करो एंड इस टेक्स्ट को एडिट करके अब मैं 2 कर दूंगा। देन अगेन हम टेक्स्ट को ड्यूप्लिकेट करेंगे, फिर से पेंसिल आइकॉन पर जाऊँगा एंड इस बार इसे एडिट करके 3 कर दूंगा। वंस अगेन ड्यूप्लिकेट एडिट एंड आई विल मेक दिस 4 एंड फिर इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करते जाना है। सो अगर मैं अभी इसे प्ले करके दिखाऊं तो यू कैन सी हमने 1 से लेकर 10 तक एनिमेशन क्रिएट कर दिया है। बट ऑफ कोर्स सिर्फ 10 तक एनिमेट नहीं करना है नंबर्स को, तो मैं आगे भी कर लेता हूं। तो अभी मैंने 1 से लेकर 100 तक नंबर्स को टाइप किया है, एक बार इसे शुरू से प्ले करके देखते हैं। सो या इट डेफिनेटली डिड टेक सम टाइम बट यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट इज़ रियली कूल। अभी ऑफ कोर्स सिर्फ 100 तक ही एनिमेट करना था नंबर्स को, सो 1 से लेकर 100 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं मैंने सभी को टाइप किया है। बट लेट्स से आप और भी बड़े नंबर्स को एनिमेट करते हो जैसे 200, 300 तक, तो ऑब्वियसली बीच में बहुत सारे नंबर्स को आपको स्किप करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल टेक सो मच टाइम। लाइक 100 से 200 तक जाना है तो आप टाइप कर सकते हो 100, 110, 120, 130 ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। सो अब मैं इस लास्ट वाले टेक्स्ट लेयर पर आ जाऊंगा एंड इसे सेलेक्ट करके वीडियो के एंड तक एक्सटेंड कर दूंगा, फिर इसे सेव कर देते हैं एंड लेट मी शो यू कि आप इस एनिमेशन को और भी कूल कैसे बना सकते हो। ऑलराइट, तो अभी मैंने यहाँ एक न्यू फाइल में एक मोशन बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लिया है एज़ यू कैन सी एंड इसके ओपेसिटी को भी मैंने कम कर दिया है। सो मैं इसके बिल्कुल स्टार्ट में आ जाऊँगा, PIP पे क्लिक करूँगा एंड जो एनिमेशन हमने बनाया था उसे इंपोर्ट कर लूँगा। उसके बाद देखो यहाँ पर एक ब्लेंड का ऑप्शन है, उस पर जाओ एंड यहाँ पर बहुत सारे ब्लेंड मोड्स हैं तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। आई विल सेलेक्ट लाइटन एंड इसे मैं चेक कर दूंगा। फिर मैं एक की फ्रेम इस लेयर के बिल्कुल स्टार्ट में ऐड कर दूंगा, ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड दूसरा वाला की फ्रेम इस लेयर के बिल्कुल एंड में ऐड कर देंगे एंड वीडियो को जूम इन कर देंगे। एंड नाउ इफ आई प्ले दिस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट यू कैन सी एनिमेशन पहले से भी बेटर लग रहा है। सो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल कि ये एनिमेशन क्रिएट करने के बाद आप इसे किसी भी वीडियो में कैसे यूज़ कर सकते हो।
यूजिंग दिस नेक्स्ट टेक्निक आप स्क्रीन पर आ रहे किसी भी आर्टिकल, स्क्रीनशॉट या इमेज के एक पर्टिकुलर हिस्से को मैग्नीफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले जिस भी फोटो या वीडियो पर ये इफेक्ट ऐड करना है उसे टाइमलाइन पर इंपोर्ट कर लो, जैसा मैंने स्क्रीनशॉट को किया है। फिर टाइमलाइन में वहां आ जाओ जहां पे मैग्निफिकेशन क्रिएट करना है एंड क्लिक ऑन स्टिकर, देन क्लिक ऑन डिटेल एंड यहां पर देखो एक ऑप्शन है मैग्नीफायर, उस पर क्लिक करो एंड एज यू कैन सी स्क्रीन पर एक मैग्नीफायर आ चुका है। तो जिस भी एरिया को मैग्नीफाई करना चाहते हो इसे वहां प्लेस कर दो। इसके रेडियस को भी बढ़ा सकते हैं। अब इसके भी दो सेटिंग्स हैं। फर्स्ट सेटिंग से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि स्क्रीन कितना मैग्नीफाई होगा, तो मैं अभी के लिए इसे 20 रख देता हूँ। सेकंड है स्ट्रोक विड्थ, यानी कि मैग्नीफायर के अराउंड जो स्ट्रोक है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। अभी ये विजिबल नहीं है तो इसका कलर कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स टेक रेड एंड विड्थ को 25 कर दूंगा। नाउ यू कैन सी हमारा मैग्नीफायर स्क्रीन पर ऐड हो चुका है, बट ये बहुत ही एब्रप्टली स्क्रीन पर आ रहा है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे साउंड इफेक्ट का। मैं इसके स्टार्ट में आ जाऊँगा, देन आई गो टू म्यूज़िक एंड यहाँ पर मेरे पास एक बॉटल कॉर्क साउंड इफेक्ट है, इसे ऐड कर देते हैं। एंड एज यू कैन सी हमारे मैग्नीफायर में एक साउंड इफेक्ट भी ऐड हो चुका है। अब ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट आप इस मैग्नीफायर को स्क्रीन के एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव भी करा सकते हो यूजिंग की फ्रेम्स। लाइक पहला की फ्रेम मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड दूसरा वाला इसके जस्ट बगल में एंड इस मैग्नीफायर को उठा के मैं किसी और वर्ड पे ले आता हूँ। And now if I play this, you can see we have added a very nice animation to it. So आपने बहुत से यूट्यूबर्स के वीडियोज में ऐसे कस्टम कैरेक्टर्स देखे होंगे एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि इसे कैसे बनाते हैं। वेल, ऐसा कैरेक्टर अपने लोगों के साथ बनाना और उसे एनिमेट करना बहुत ही ईजी है एंड इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स। अभी ये कैरेक्टर एनिमेशन ट्रेंड में भी है सो आई थॉट इसे सिखाना बनता है। सो लेट्स लर्न दिस। इस एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस टाइप के स्टॉक इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। इन्हें आप पिक्सेल्स, पिक्साबे और फ्रीपिक जैसे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, बट आई नो इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू फाइंड इमेजेस जिनमें सभी कैरेक्टर्स ने सेम आउटफिट पहना हो। लाइक यहाँ पर देख सकते हो सभी कैरेक्टर्स ने वाइट शर्ट, ब्लैक सूट और एक ब्लैक बो पहना है। सो ऐसे कंसिस्टेंट इमेजेस फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अगर आपको ये 4 इमेजेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो एंड दे आर कम्प्लीटली फ्री। नाउ लेट्स स्टार्ट एडिटिंग। सबसे पहले इनशॉट के फोटो एडिटर में आ जाएंगे एंड एक्सप्लेनेशन के लिए इन चारों में से कोई भी एक इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं, लेट्स टेक दिस वन। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो कटआउट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो, इससे इसका बैकग्राउंड कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। इसे थोड़ा रिसाइज कर देते हैं, देन यू हैव टू क्लिक ऑन PIP एंड आपके चैनल का जो भी लोगो है उसे इम्पोर्ट कर लो, देन क्लिक ऑन मास्क एंड सेलेक्ट सर्कुलर मास्क। इफ़ यू वॉन्ट इसमें कोई आउटलाइन भी लगा सकते हो लाइक दिस, एंड देन आई विल चेक दिस। फिर हमारे लोगो को रिसाइज कर देंगे थोड़ा एंड इसके हेड पर प्लेस कर देंगे। एंड देयर वी गो, हमारा पहला कैरेक्टर रेडी है। सो इसे सेव कर देंगे। अब यही सेम प्रोसेस आपको बाकी कैरेक्टर्स के लिए भी रिपीट करना है। कैरेक्टर को इंपोर्ट करो, कटआउट से उसका बैकग्राउंड रिमूव करो और अपना लोगो इंपोर्ट करके उसके हेड पर प्लेस कर दो। सो क्योंकि हमने सभी कैरेक्टर्स को बना लिया है, अब देखते हैं कि इन्हें एनिमेट कैसे करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वीडियो बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लूँगा लाइक दिस एंड इसके स्टार्ट में हम अपने कैरेक्टर को ऐड करेंगे। सो लेट्स टेक दिस वन, फिर इसे रिसाइज कर देते हैं। तो फर्स्ट एनिमेशन के लिए मैं एक की फ्रेम बिल्कुल इसके स्टार्ट में ऐड कर दूंगा, ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड दूसरा वाला की फ्रेम जस्ट इसके बगल में ऐड कर देंगे, ये है इसका एंड पॉइंट। फिर मैं फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आऊँगा एंड इस कैरेक्टर को उठा के स्क्रीन के नीचे भेज दूंगा लाइक दिस एंड एज यू कैन सी हमारे कैरेक्टर में एक एंट्रेंस एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। ऑफकोर्स अगर इसे और स्मूथ बनाना है तो आप की फ्रेम ईज फीचर का यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर जितने भी प्रीसेट्स हैं इनमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हो, आई विल सेलेक्ट द सेकंड वन
एंड आई विल चेक दिस, लुक्स गुड। सेकंड एनिमेशन के लिए यहाँ पर एक जूम इन इफेक्ट ऐड करते हैं, तो एक ई फ्रेम यहाँ पर ऐड कर दूंगा एंड दूसरा वाला जस्ट इसके बगल में ऐड कर देंगे एंड इस पॉइंट पे पीआईपी को जूम इन कर देंगे लाइक दिस। ये हो गया इसका एंडिंग पॉइंट। वंस अगेन एनिमेशन तो क्रिएट हो चुका है जूम इन वाला, बस इन दोनों के बीच एक की फ्रेम ईज प्रीसेट यूज़ कर लेते हैं, लेट्स टेक दिस वन। और अब शुरू से देखते हैं कि एनिमेशन कैसा लग रहा है। सो या इट्स लुकिंग ग्रेट। तीसरा एनिमेशन के लिए मैं चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर स्क्रीन के सेंटर से राइट साइड में मूव हो जाए। इसके लिए मैं एक की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर दूंगा, फिर इसके जस्ट बगल में ऐड कर देंगे दूसरा वाला की फ्रेम और इस कैरेक्टर को उठा के राइट साइड प्लेस कर देंगे। ये हो गया इसका एंडिंग पॉइंट। वंस अगेन ईज फीचर का यूज़ करेंगे इसमें स्मूथनेस ऐड करने के लिए एंड यू कैन सी आवर एनिमेशन इज लुकिंग ऑसम। एक फाइनल एनिमेशन ऐड करते हैं जिसमें ये कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। सो आई वॉन्ट कि ये वाला कैरेक्टर स्क्रीन के नीचे चला जाए और जो दूसरा एक और कैरेक्टर हमने बनाया था जो स्क्रीन के लेफ्ट साइड पॉइंट कर रहा है वो आ जाए स्क्रीन पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करूँगा और थोड़ा सा आगे बढ़ के नेक्स्ट की फ्रेम को ऐड कर दूंगा। फिर इस कैरेक्टर को हम स्क्रीन के नीचे भेज देंगे लाइक दिस, फिर इसमें थोड़ा स्मूथनेस ऐड कर देंगे। अब यू कैन सी ये कैरेक्टर स्क्रीन के नीचे तो जा रहा है, अब इसी पॉइंट पे हमें दूसरे कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करना है। तो मैं फिर से पीआईपी पर जाऊंगा एंड ये वाला कैरेक्टर इंपोर्ट कर लूँगा स्क्रीन पे। इसके साइज़ को बड़ा कर देते हैं लाइक दिस एंड इसे राइट साइड ले आते हैं। एक बार देख लेते हैं कि इसका ओवरऑल साइज़ फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है कि नहीं। सो या सेम ही है। तो इस नए वाले कैरेक्टर के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। एक की फ्रेम यहाँ पर ऐड करते हैं, ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा वाला जस्ट इसके बगल में। फिर फर्स्ट वाले की फ्रेम पर दोबारा से आके इसे हम स्क्रीन के नीचे भेज देंगे एंड इसमें स्मूथनेस ऐड कर देते हैं। अब इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं। सो यार एनिमेशन इज लुकिंग गुड, बस इसे थोड़ा सा और पीछे करना है। अब प्ले करते हैं, लुक्स ग्रेट। एक बार पूरे एनिमेशन को शुरू से देख लेते हैं। सो ऑल्दो अब हमारा कैरेक्टर एनिमेशन बन के रेडी है, बट इसमें फाइनल टच ऐड करने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि जितने भी बार कैरेक्टर हमारा स्क्रीन पर मूव कर रहा है उस पॉइंट पे आप एक साउंड इफेक्ट ऐड करो। सो पहला मूवमेंट यहाँ पर हुआ है, यहाँ पे मैं एक साउंड इफेक्ट ऐड कर दूंगा, इसका नाम है वूश साउंड इफेक्ट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे ट्रिम कर देते हैं। फिर दूसरा वाला मूवमेंट हुआ है इस पॉइंट पे, देन नेक्स्ट मूवमेंट स्क्रीन के सेंटर से राइट साइड गया है ये कैरेक्टर, तो यहाँ पे भी एक डाल देंगे वूश साउंड इफेक्ट। फिर फोर्थ मूवमेंट यहाँ पर हुआ है राइट, एंड वन लास्ट साउंड इफेक्ट वील एड हियर एंड नाउ आर एनिमेशन इज कम्प्लीटली रेडी, लेट्स प्ले इट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ओके नाउ लेट्स लर्न कि आप वीडियो में किसी पर्सन के पीछे टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हो। इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए इन शॉर्ट के फोटो एडिटर में जाओ, देन क्लिक ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट एंड सेलेक्ट अ ब्लैंक फाइल। Then go to canvas and select 16:9.
फिर यहाँ पर देखो एक कटआउट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो एंड यू विल सी कि ये पूरा फाइल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसके बाद क्लिक ऑन टेक्स्ट एंड जो भी टेक्स्ट आप अपने वीडियो में ऐड करना चाहते हो इसे यहाँ पर टाइप कर दो। फिर इसे रिसाइज कर देंगे एंड देन आई विल सेव इट। इसके बाद इनशॉट के वीडियो एडिटर में आ जाओ एंड न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके जिस भी वीडियो में आप ये इफेक्ट ऐड करना चाहते हो उसे इंपोर्ट कर लो। सो आई विल टेक दिस वन फॉर एग्जांपल, इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम PIP पर क्लिक करेंगे एंड अभी हमने जो टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया है उसे मैं इम्पोर्ट कर लूँगा। फिर इसे रिसाइज कर देते हैं एंड आई विल प्लेस इट हियर। फिर इस लेयर को मैं क्लिप के एंड तक एक्सटेंड कर दूंगा। इसके बाद दोबारा से PIP पे क्लिक करेंगे एंड उस सेम वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे जिसे हमने मेन फुटेज के लिए यूज़ किया है। फिर इसे भी मैं एडजस्ट कर दूंगा फुल स्क्रीन में एंड नाउ ऑल यू हैव टू डू इज सेलेक्ट दिस लेयर एंड गो टू कट आउट। एंड एज यू कैन सी हमने जो PIP इंपोर्ट किया था उसमें बैकग्राउंड का सब कुछ रिमूव हो गया, सिर्फ इस वुमेन का कटआउट बाकी रह गया स्क्रीन पर। एंड ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट वाला लेयर इसके नीचे था जिसके वजह से इफेक्ट बहुत ही अच्छे से क्रिएट हो गया। सो ऐसे नॉर्मल मोशन बैकग्राउंड्स तो हम सभी यूज करते हैं बट जरा इसे देखो, लुक्स कूल राइट? ऐसा मोशन बैकग्राउंड आप अपने चैनल नेम के लिए भी बना सकते हो इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स एंड अपने हर वीडियो में यूज कर सकते हो। लेट्स सी हाउ। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक ब्लैंक फाइल इंपोर्ट कर लिया है और इसके ड्यूरेशन को मैं 60 सेकंड्स कर दूंगा बिकॉज मैं एक मिनट का मोशन बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहता हूँ जिसे बार बार अपने वीडियोज़ में यूज़ कर सकें। फिर गो टू टेक्स्ट एंड जिस भी वर्ड का एनिमेशन हमें क्रिएट करना है उसे 3-4 बार टाइप करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आई विल राइट डिकोडिंग YT एंड सेपरेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा इस बुलेट सिंबल का। देन आई विल अगेन राइट डिकोडिंग YT बुलेट डिकोडिंग YT वन लास्ट टाइम बुलेट एंड स्पेस। तो इस सेम फॉर्मेट में आपको भी अपना टेक्स्ट एंटर करना है। इसके बाद इस कलर व्हील वाले ऑप्शन पे जाओ एंड ओपेसिटी को 25 कर दो। फिर यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है उस पर क्लिक करो एंड टेक्स्ट बेंडिंग को 100 कर दो। देन आई विल चेक दिस। फिर इस टेक्स्ट को रिसाइज करके फुल स्क्रीन में फिट कर देते हैं। अब जो आगे के स्टेप्स हैं वो शायद थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगे, सो जस्ट फॉलो मी। सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट लेयर को वीडियो के एंड तक एक्सटेंड कर दूंगा और इसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट। फिर हम वीडियो के बिल्कुल एंड में जाएंगे एंड एक की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे मैं इस टेक्स्ट एलिमेंट को 180 डिग्री रोटेट करने वाला हूँ लाइक दिस और इसे फिर से फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देते हैं। सो अगर अभी मैं इसे शुरू से प्ले करके दिखाऊं तो यू कैन सी कि टेक्स्ट में एक बहुत ही अच्छा सा रोटेशन इफेक्ट ऐड हो चुका है। बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ चेक कर लेना कि फर्स्ट की फ्रेम में जो टेक्स्ट का साइज़ है लास्ट की फ्रेम में भी वही एग्जैक्ट सेम साइज़ होनी चाहिए। लाइक अभी अगर देखें तो फर्स्ट की फ्रेम में टेक्स्ट का साइज़ है 28 तो लास्ट वाले में भी 28 होना चाहिए। यू कैन सी यहाँ पे 26 है तो हम इसे इंक्रीज करके 28 कर देंगे। नाउ इट्स परफेक्ट। अब आगे का प्रोसेस सिंपल है। इस टेक्स्ट लेयर को हम कॉपी करेंगे एंड इसे रिसाइज करके छोटा कर देते हैं लाइक दिस। फिर एडिट पे जाके देख लेता हूँ कि इसका साइज़ कितना है। एज़ यू कैन सी इसका साइज़ अभी 18 है तो लास्ट वाले की फ्रेम में भी मैं जाकर इसका साइज़ 18 कर दूंगा। फिर से सेम चीज़ करेंगे, इस टेक्स्ट लेयर को कॉपी करो एंड इसे रिसाइज करके छोटा कर दो। देन गो टू एडिट एंड इसका साइज़ देख लो कितना है। यहाँ पर इट्स 10 तो लास्ट वाले की फ्रेम में भी इसका साइज 10 कर देंगे। देन वील रिपीट द सेम प्रोसेस जब तक स्क्रीन पूरा भर नहीं जाता।
एंड देयर वी गो, हमारा मोशन बैकग्राउंड बन के रेडी है। सो ये थे कुछ न्यू वीडियो एडिटिंग टेक्निक्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट इनमें से कौन है, या फिर विच टेक्निक डिड यू फाइंड रियली यूजफुल। ऑल्सो ये ट्यूटोरियल मेरे मोबाइल वीडियो एडिटिंग प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो है, सो इफ यू हैवंट चेक्ड पार्ट 1 एंड 2 देन स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट है उसे देख सकते हो। एंड या मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।